नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 125 सीसी में टीवीएस ने एंट्री मार ली है और मेरे साथ इस समय हैं टीवीएस मोटर के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे सर, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन इतना अच्छा है सर। इतना बढ़िया प्रोडक्ट इतना वक्त क्यों लगा दिया, सबसे पहला सवाल। नहीं, वक्त तो ज़्यादा नहीं लगाया, पर इसको लाने के लिए पहले हमारे ऑडियंस को हमने काफ़ी टाइम तक उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी ज़रूरतें समझी और उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। सो अब जब देर आए दुरुस्त आए, तो अब इसके होपफुली मार्केट में जो रिएक्शन रहेगा और आपका जो रिएक्शन रहेगा वो जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। सर, इसमें आपने क्या क्या अलग देने की कोशिश की, क्योंकि आपने पूरा मार्केट देखा है, जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उनको भी देखा है, तो क्या क्या मतलब आपके लिहाज से क्या है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं इसके बारे में। तो ये प्रोडक्ट जो है, सबसे पहली बात है कि एक यंग कम्यूटर के लिए है। तो आज के दिन में अगर यंग कम्यूटर के लिए कोई बाइक देखे, तो या तो आपको बिल्कुल एक कम्यूटर बाइक मिलती है या एक प्रीमियम हाई एंड बाइक मिलती है। बट एक यंग कम्यूटर के लिए ऐसी बाइक जो उसके स्पोर्टी फील को करे पर उसको माइलेज भी दे और उसको हर दिन के राइड में मज़ा आए, ऐसी बाइक हमें आज तक नहीं मिली और उसकी हमारे पास गुंजाइश आई थी। तो इस बाइक में हमने एक 3-वाल्व इंजन डाला है, जिसके वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो वेस्टर्न क्लास एक्सेलरेशन देता है। इसके अंदर पहली बार सेगमेंट में राइड मोड्स हैं, जिससे कि आपको जब पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पावरफुल परफॉर्मेंस मिलता है। इको मोड है, जब आप माइलेज एनहांस करना चाहें तो आपको माइलेज वाली परफॉर्मेंस मिलती है। और परफॉर्मेंस से आगे चलते तो उसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल एक यंग कंज्यूमर के लिए बना हुआ है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पहली बार रिवर्स LCD कलरफुल क्लस्टर है, जो इस तरह का सेगमेंट में बिल्कुल आज तक आया नहीं है। हमने इसके इंजन में भी बहुत सारे नई ऐसे चीज़ें की हैं, जैसे ऑयल कूल्ड जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो TVS की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, उसके वजह से जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा उम्दा आता है। साथ में जब हम बाइक चलाते हैं तो एक होता है कि आपके फील क्या है, आप राइड और हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो मोनोशॉक और स्प्लिट सीट के वजह से हैंडलिंग एक्सेलेंट है। एंड हम हर इंद्रियों से बाइक को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो फील हो, चाहे उसका एक्सपीरियंस हो और या जो उसका साउंड हो। तो उसका जो थ्रोटी नोट है एग्जॉस्ट का, वो भी इसका बिल्कुल डिस्टिंक्टिव है। तो लुक, परफॉर्मेंस, स्टाइल, स्पीड, ये सारा हमने इसमें देने की कोशिश की है कि जो हमारे यंग कंज्यूमर को बिल्कुल भाए। सर, पिलियन के लिए, क्योंकि 125 सीसी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है, तो पिलियन के लिए कंफर्ट आ जाता है। स्प्लिट सीट आपने दी है, तो उसमें आपने पूरा क्या एक्सपीरियंस किया और क्या ज़रूरत महसूस की और क्या आपको लगता है कि सबसे अलग बनाता है पिलियन राइडर्स के लिए इस मोटरसाइकिल को? ठीक है, तो इसके लिए पहले, पिलियन से पहले मैं आपको राइडर की बात करवाना था कि स्प्लिट सीट के वजह से इसका जो राइडिंग पोस्चर है, ये टिपिकल स्पोर्टी में जैसे आपको लीन फॉरवर्ड करना पड़ता है या बिल्कुल कंप्यूटर में आप सीधे बैठते हैं, दोनों में एंगेजमेंट अलग तरह का होता है। इसमें एक हमने एक स्वीट स्पॉट लिया है जो कि थोड़ा आपको एंगेज करता है, जैसे कि आपकी हैंडलिंग बहुत हाई हो, पर बहुत वाइड और कंफर्टेबल राइडर सीट है। इवन पिलियन सीट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेक्ड अप नहीं है, इसके लिए पिलियन के लिए भी कम्फर्ट है और उसका जो साइज़ है सीट का वो भी ब्रॉड रखा है, तो आपके पिलियन में जो बैठेंगे उनको भी आराम रहेगा, जो राइडर है उनका पोस्चर भी सही रहेगा, कंफर्ट रहेगा, लॉन्ग राइड्स के लिए बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आज के कम्यूट में जब हम लोग घंटों स्पेंड करते हैं तो एक तो मज़ा आना चाहिए और मज़ा आने के बाद कमर अकड़ जाए तो कोई मज़ा नहीं आता। तो इसमें ना कमर अकड़ेगी, बस आपका हर राइड मज़ेदार। तो जो कीमत आपने इसकी रखी है, आपको लगता है पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है? मेरे हिसाब से कीमत एक पैरामीटर है, बट इसको जो कंज्यूमर से जो प्यार मिलेगा उसको ये पूरी तरह जस्टिफाई करती है। प्राइस पॉइंट की तरफ से हमें इसमें कोई ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हमको लगता नहीं है कि कभी इसमें शिकायत मिलेगी हमें। बट उस प्राइस पॉइंट में ये इस गाड़ी में जो सब दिया गया है वो आज इस मार्केट में बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। सो वैल्यू के स्टैंड पॉइंट से ये सबसे उम्दा प्राइस। सर, 100 सीसी एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें बिकती रही हैं अब तक इंडिया में देखा जाए, आप 125 सीसी में कौन सी ग्रोथ देख रहे हैं, कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? तो आप अगर आज कम्यूटर मोटरसाइकिल मार्केट देखें तो वो पिछले 5 साल का अगर ग्रोथ देखें तो वो मोर और लेस फ्लैट है, सबसे बड़ा है और फ्लैट है। पर अगर 125 सीसी देखें जो एक तिहाई है कम्यूटर टू व्हीलर मार्केट का, पर उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, क्योंकि इंडिया खुद भी यंग होता जा रहा है
उसके रिक्वायरमेंट्स यंग है, और यंग इंडिया 100cc 110cc बाइक से आगे बढ़ चुका है उनके लिए। पर वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको या तो, जैसे मैंने पहले कहा आपको, क्या तो बिल्कुल कम्यूटर बाइक मिलती है या बिल्कुल स्पोर्टी बाइक मिलती है। ये वैसा स्पोर्टी कम्यूटर है जो अभी तक परफॉर्मेंस स्टाइल हर तरह से अभी तक मार्केट में नहीं। सर, जो आपने रंगों के विकल्प दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक चार रंग में गाड़ी मिलेगी। एंड ये इसमें ग्राफिक्स भी हमने बिल्कुल मिनिमल रखी, क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर खुद एक अपने, इसका एक डिज़ाइन स्टेटमेंट है, इसका हेडलाइट खुद एक उसका डिज़ाइन स्टेटमेंट है, इसका क्लस्टर खुद इसका एक डिज़ाइन स्टेटमेंट है। तो चार रंगों में अवेलेबल है। एंड ये स्टाइल के लिए बिल्कुल जो उसका लोगो डिज़ाइन से लेके टैंक डिज़ाइन तक बिल्कुल मैक्सिमाइज करता है स्टाइल को। सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मतलब इसमें स्पोर्टी कैरेक्टर भी है इस छोटी बाइक में, लगता है देखे कि मन कर जाता है चला के आए। चला रहा था मैं तो मन कर रहा था अभी रुकूं ही ना, चलाता जाऊं तो मेरा समय पूरा हो गया इस बाइक के साथ में उस जगह, तो मैंने सोचा बाद में चलाएंगे। लेकिन ये कहाँ से मिली सर, इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हमारे कंज्यूमर से, हम उनसे जब जाके मिले कि आपको कैसी बाइक चाहिए, तो उनसे पता कि ऐसी बाइक जो दिखने में सबसे अलग हो, स्टाइल हो, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में उनको एक एक्सेलरेशन मिले, एक एक्सेलरेशन मिले चलाने में, बट साथ में माइलेज का जो एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है वो भी कहीं छूट ना जाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन को मैनेज करना इंजीनियरिंग के स्टैंडपॉइंट से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों को मैनेज करना। तो इंस्पिरेशन तो हमारे कंज्यूमर से है और उन्हीं की वजह से ये गाड़ी बनी है। सर, कोविड की वजह से डीलर्स बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए, उनका एक तरह से धंधा सबका सब खराब हुआ, तो अभी ये बाइक उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान ला रही है और कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि उन लोगों ने, जरूर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करवाया होगा उन्हें भी, तो उनकी तरफ से कैसा मिल रहा है रिस्पांस? हमें सब डीलर से, हमारे जितने डीलर फ्रेंड्स हैं हमारे, उन्होंने सबको बाइक देखी है, एक्सपीरियंस किया है, उनसे फीडबैक यही रहा है कि ये बाइक उनके हिसाब से, उनके कंज्यूमर जो उनका आते हैं उनका बिल्कुल दिल लुभाएगी, बिल्कुल उनका सबसे फेवरेट बाइक बनेगी। तो हमारे भी यही कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द सच हो एंड डीलर फीडबैक एज नाउ। सर, त्योहारों से पहले और कुछ धमाके ऐसे देखने को मिलेंगे TVS की तरफ से? मेरा अंतिम सवाल है। ये आज के लिए इसका धमाका है, त्योहारों तक बहुत पटाखे होंगे, फिर मिलेंगे उसके बारे में फिर अलग चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। तो ये अनिरुद्ध सर थे, इस बाइक को लेके उतने ही एक्साइटेड हैं जितने ये खूबसूरत नज़र आ रही है, और ये बाइक देखकर आपके चेहरे पर भी स्माइल आ गई होगी। मेरा रिव्यू नहीं देखा है ना, दोबारा जाके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा बना है। मुझे लगता है 125cc में एक बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है, और जो सर ने अपनी बात रखी है उसको कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करता है। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, या मैं सवाल का जवाब दे दूंगा या सर को भेज दूंगा, सर आपका जवाब जरूर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।